हेलो व्यूवर्स, आज हम बनाते हैं दिल्ली का स्ट्रीट फूड राम लड्डू, जो कि लाजपत नगर का बहुत ही फेमस चाट है। तो चले हम अपना इंग्रेडिएंट्स देख लें। राम लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हम मूंग की दाल को लेंगे, जिसे मैंने मूंग की दाल को 4 से 6 घंटे धोकर अच्छी तरह से भिगो दिया था। ये देखिए, इतना बहुत बढ़िया तरीके से फूल गया है। इसे मैंने एक बड़ा बोल लिया था और उसी का 1/3 कप हम चना दाल लेंगे, और चना दाल को हमने धोकर भिगो दिया था। तो दोनों को हम मिक्सी जार में अलग अलग थोड़ा पानी डालकर, जितना हो सके कम पानी डालकर हम इसे फाइन पेस्ट बना लेते हैं। और इसी के साथ में मैं मूली को छील लूँगी और इसे मैं कद्दूकस कर लूँगी। और मूली के पत्तों का हमें चटनी बनाना है, तो सिर्फ मैं मूली को धोकर इसके मैं सिर्फ पत्ते निकाल लूँगी। इस तरह से सिर्फ हमें पत्ते चाहिए, तो इतना सारा काम मैं अभी कर लेती हूँ। चने की दाल और मूंग की दाल को मैंने बहुत ही कम पानी डालकर पीस लिया है। मूली के पत्तों को मैंने साफ कर कर रख लिया है और मूली का जो सफ़ेद पार्ट था उसे भी मैंने ग्रेट करके रख लिया है। अब मैं इस दाल को एक बड़े स्पून की सहायता से, या अपने हाथों से भी इसे फेटा जा सकता है, तो मैं एक ही डायरेक्शन में इस तरह से फेटूंगी कम से कम 5 मिनट तक, कि इसमें एयर आ जाए और हमारा जो राम लड्डू है जब इसे हम फ्राई करें तो हमारे फुले फुले और सॉफ्ट बने। तो सबसे पहले मैं इसे कंटिन्यूसली 5 मिनट तक इसी तरह मैं फेटती रहूँगी। 5 मिनट मैंने कंटिन्यूसली एक तरीके से इसी तरह फेटा एक साइड से, तो आप देख सकते हैं इसका रंग भी बदल गया है और ये बहुत ही फ्लफ़ी हो गया है, यानी कि ये बहुत अच्छी से फूल गया है। तो इसे हम साइड रखते हैं और अपना चटनी की तैयारी कर लेते हैं। राम लड्डू के साथ में एक स्पेशल चटनी बनाई जाती है जो कि मूली के पत्तों से बनाई जाती है। तो उस चटनी को बनाने के लिए एक बड़ा बोल मैंने मूली के पत्तों को लिया हुआ है, उसका आधा मैंने हरी धनिया लिया है। इसे खट्टा स्वाद देने के लिए आप नींबू का रस, इमली या आम भी डाल सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर आम लिया हुआ है। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग तीखा करने के लिए 4 से 6 हरी मिर्च, 2 इंच अदरक, आधा छोटा चम्मच ज़ीरा और स्वाद के अनुसार नमक। तो इन सभी को हम मिक्सी जार में डालकर, थोड़ा पानी डालकर इसे हम चटनी बना लेते हैं। हमारी मूली के पत्तों की चटनी रेडी हो चुकी है। देखिए कितना सुंदर कलर आया हुआ है। इस चटनी को हम सिर्फ चाट में ही नहीं, बल्कि इसे रोटी, पराठा और सैंडविच में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी चटनी है। अब हम दाल में कटी हुई हरी मिर्च 2 से 3 हैं, या आपने स्वाद के अनुसार डालें, और बारीक कटा हुआ 2 इंच अदरक है जिसे मैंने छोटा छोटा बारीक काट लिया है, तो उसे भी मैं डाल देती हूँ। अब इसमें 1 छोटा चम्मच हींग, हींग का स्वाद इसमें बहुत ही अच्छा लगता है, और अपने स्वाद के अनुसार हम इसमें 1 छोटा चम्मच नमक डाल देते हैं और इसे अच्छे से मिलाकर रख लेते हैं। सारा मसाला मिल चुका है, अब इसमें हम हरी धनिया ऊपर से डाल देंगे। आप चाहे तो डाल सकते हैं, वरना स्किप भी कर सकते हैं। हरी धनिया का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है। एक साइड हमने तेल गरम होने के लिए रख दिया था, तो मैंने इसे मीडियम आंच पर कर दिया है। तेल हमारा बहुत अच्छे से गरम हो चुका है। अब इसे हम इस तरह से अपने बैटर को उठाएंगे, यहाँ पर लेकर आएंगे, और इसे हम तेल में इस तरह से डालेंगे कि यह गोल गोल बने, राम लड्डू लड्डू का आकार बने। तो इसीलिए हम अपने बैटर को इस तरह से उठाएंगे और तेल में इस तरह से छोड़ेंगे।
इस तरह से आपको जितना बड़ा चाहिए और इस तरह से हम छोड़ देंगे, तो वहां पर तेल के अंदर वो गोला बन जाएगा, तो लड्डू का आकार वो ले लेगा। आप स्पून से भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं हाथ से प्रेफर करूंगी, चम्मच से और स्पून से क्या अच्छा बनता नहीं है, हाथ से बराबर बन जाएगा। जैसा आपको बनाना हो बना सकते हैं। इसे मैंने मीडियम आंच पर ही सेका है, तो ये देखिए बहुत ही अच्छा रंग आया हुआ है और बहुत ही सुंदर बना हुआ है। तो इसे हम अब एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छा बना है और एक ही आकार का बना हुआ है, तो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो बाकी के भी मैं इसी तरह राम लड्डू को फ्राई कर लेती हूँ। हमारा सारा राम लड्डू बनकर तैयार हो चुका है। मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि कितना सॉफ्ट बना है, आप देख सकते हैं, ये देखिए। और इसे मैं तोड़कर भी दिखाना चाहूँगी कि कितना अंदर से स्पंजी बना है, ये देखिए बहुत ही बढ़िया बना है। इसे मैंने पानी में भिगोकर भी रखा था, तो इसका आकार डबल हो चुका है। आप इसे भिगोकर दही भल्ला भी बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी दही भल्ला बनता है। तो अब मैं इसे सर्व करने जा रही हूँ। इसे सर्व करने के लिए हम कुछ राम लड्डू प्लेट में रखेंगे। आपको जितना सर्व करना है आप उतनी क्वांटिटी रख सकते हैं। मैं फिलहाल पूरा प्लेट भरने वाली हूँ। अब इसमें हमने जो हरी चटनी बनाई हुई थी, अब उसे हम इसमें इस तरह से रखते जाएंगे। एक चाट तैयार करते हैं ना, उसी तरह से हमें इसे सजाना है। चटनी लगाने के बाद जो मूली हमने किस कर लिया था, उस इसमें मूली का जो मैंने कसकर डाला है, इसमें इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। जब मैंने राम लड्डू के बारे में अपने फ्रेंड से सुना तो मुझे लगा कि यह मीठा डिश होगा, लेकिन जब उन्होंने बताया कि एक मूंग की दाल का वड़ी बनाते हैं और उसमें मूली की चटनी और मूली को ऊपर से किसकर डालते हैं और इसमें लहसुन और प्याज का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता, तो मुझे बहुत ही अजीब लगा था कि मूली का चटनी और मूली का गार्निशिंग किया गया है तो कैसा होगा ये। जब मैंने इसे खुद खाया तो मुझे ये बहुत ही टेस्टी लगा। मैंने थोड़े से टमाटर को भी काट कर इस तरह लगाए हैं और मैंने मिर्ची का वड़ा भी बनाया है, तो आप इसके साथ में मिर्ची का वड़ा भी बनाकर सर्व कर सकते हैं। इसके साथ में बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। यदि यह रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।